दोस्तों कहानी में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, अभीर और अभिमन्यु काफ़ी प्यार वाली बातें करके अभीर का भी मन जीत लिया और अभीर ने अभिनव का भी दिल जीत लिया। और खून खून से ही नहीं, पानी से भी प्यार किया जाता है। ये चीज़ आज पता चल गया कि अभीर और अभिमन्यु काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार भरी बातें करी और दोनों में बात करते काफ़ी ज़्यादा मतलब उन लोगों को अच्छा लगा। और अभिनव का तो जन्मदिन था और अभिमन्यु अभिनव का जन्मदिन सेलिब्रेशन करने के लिए सेलिब्रेट करने के लिए पूरे टीम को इकट्ठा कर लिया और सबके साथ में मीठी आवाज़ों में बात किया। और अभिमन्यु तो पहले से ही अभीर के लिए तो अपनी दिन रात एक कर दिया था और अक्षरा को पता है कि अभिमन्यु जो है सो काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब उनको अक्षरा के उनके पापा ने उनको बात कर रहे हैं तो उनके बात करने का अंदाज़ ही कुछ अलग था, जिसमें पता चल रहा था कि अभिमन्यु और अक्षरा को अलग होना पड़ेगा क्योंकि कहानी देखने के बाद ऐसा चीज़ पता चल रहा था। तो फिलहाल अभिमन्यु का जन्मदिन था और अक्षरा ने उनको 12 बजे रात को ही केक काट के सेलिब्रेट किया, उनको बधाई दिया, हैप्पी बर्थडे बोला और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद अभिमन्यु भी सेलिब्रेशन में सारे लोगों को जमा करके काफ़ी अच्छा प्यार प्यार की बातें बड़ी करी थी और बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आप लोग आने वाला एपिसोड में अभिमन्यु की जो बातें कर रही है उनकी माँ के साथ में, तो उनमें हमको लगता है कि कुछ ना कुछ कांड होने वाला है क्योंकि उसके साथ में जो बात चल रहा था ना उनकी माँ के साथ में, बड़ी माँ के साथ में, तो मुझे लग रहा है कि अभिमन्यु और अक्षरा और अभिनव इन तीनों के बीच आने वाला अपकमिंग एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट होने वाला है और नाटक इतना मज़ेदार होने वाला है ना कि आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को और भी मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या लगता है कि अभिनव और अक्षरा एक साथ पूरी लाइफ रहेंगी या नहीं रहेंगी? क्योंकि इन दोनों की बातों सुनने के बाद में पता चल रहा है ना कि अक्षरा और अभिनव जो है उनका ज़्यादा दिन तक लाइफ नहीं चलेगा कसौली में, और अभिनव जो है अभिमन्यु कुछ अलग ही दिमाग रच रहा है जिसमें हमें लगता है कि अभिमन्यु जो है सो कुछ ना कुछ आगे एपिसोड में कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मुझे तो लग रहा है। तो आप लोग देखते रहिए, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, तभी आप लोगों को आने वाला अपकमिंग एपिसोड पता चलेगा। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू। कल करने दोनों सुबह हमने हाली वहाँ खड़ा प्रदीप संस्था वालों प्रदीपा पूछ लिया कि प्रदीप पैसा वैसा एलो ने कल तो हाँ पिछला महीना आया लो जुलाई में मैंने कभी पता ना ले लो।
रियो जाए इसीलिए तो रहे ना हटा दल रहा रियो में।